नमस्कार दोस्तों, डीके थ्योरी ऑफ डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं चैनल पर नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊँगा। इससे पहले स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए, आज जो है 1200 स्क्वायर फुट का पूरा प्लॉट का एरिया है। 1200 स्क्वायर फुट में हमने लगभग 3 BHK प्लान बिठाया है तो वो मैं उसका डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, प्लॉट का साइज़ समझ लीजिए। प्लॉट का साइज़ जो है 40 फीट जो है जो हमारा लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और 30 फीट जो है हमारा विड्थ है, मतलब फ्रंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये फ्रंट है हमारा 30 फीट और ये जो है फ्रंट साइड में ही हमारा रोड है। बाकी के जो तीनों साइड है, तीनों साइड में हमारा रोड नहीं है, मतलब दूसरों की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमने हमारे ही प्लॉट में वेंटिलेशन की अरेंजमेंट की है, वो किस टाइप में बनाई है मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो रोड है, हम रोड से जैसे ही एंट्री करेंगे तो हमें यहाँ पे एक बाइक पार्किंग के लिए एरिया मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे जो फोर व्हीलर पार्किंग नहीं है क्योंकि प्लॉट का साइज़ जो है 1200 स्क्वायर फुट में है और उसमें लगभग 3 बेडरूम है, किचन है, लिविंग रूम है, स्टेयरकेस भी है, सब एडजस्टमेंट करने का है। तो जो है कार पार्किंग हमने नहीं दी है, मतलब बाइक पार्किंग ही दी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उन्हें बाइक पार्किंग ही चाहिए, फोर व्हीलर पार्किंग नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेन रोड है, मेन रोड से जैसे ही एंट्री करेंगे इस मेन गेट से तो यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए एरिया मिल रहा है। देखिए, ये स्टेयरकेस के नीचे जो है हमारी बाइक वगैरह पार्क हो सकती है आराम से। और उसके बाद में देखेंगे तो लगभग 3 फीट का ऑफसेट यहाँ फ्रंट में भी छोड़ा है इस बेडरूम के सामने। यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह आप लगा सकते हैं। उसके बाद में स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुंच जाएंगे और इस वरांडे से हम एक तो लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं या तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाना है, मतलब ऊपर की मंजिल तक जाना है, तो यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है। तो ये स्टेयर जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच रहे हैं, मतलब इस स्लैब पर पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेयर के जो है काफ़ी यूज़फुल रहती है। अगर ऊपर का फ्लोर जो है आपको रेंट के हिसाब से देना है या दूसरी फैमिली को यूज़ करना है तो ये स्टेयर के जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी क्योंकि उनका जो आना जाना है वो बाहर से ही रहेगा, हमारे नीचे वाली फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये स्टेयर के जो है जैसी जैसी ऊपर चल जाएगी उसके नीचे हम जो है कार हमारी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। और बाद में हम यहाँ से एंट्री करेंगे हम लिविंग रूम में। देखिए, लिविंग रूम का साइज़ जो है लगभग 11 फीट बाय 13 फीट 2 इंच का है, मतलब 11 फीट बाय 13 फीट 2 इंच का, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और दो विंडोज़ होने की वजह से काफ़ी बढ़िया इसको वेंटिलेशन मिल जाएगा क्योंकि ये जो है इस साइड में भी हमने विंडो दिया है क्योंकि इस साइड में हमने ऑफसेट छोड़ा है लगभग 3 फीट का। देखिए, ये अंदर अंदर 2 फीट 8 इंच है और 4 इंच की जो है यहाँ पे वॉल कंपाउंड बताई है, बाउंड्री वॉल, तो यहाँ पे भी हमने 3 फीट का ऑफसेट छोड़ा है। तो देखिए, यहाँ से हमें इस लिविंग रूम को वेंटिलेशन मिल सकता है। और बाद में हम एंट्री करेंगे यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे एंट्री करने के बाद हम जनरल टॉयलेट बाथरूम का एरिया दिख रहा है हमें। देखिए, 4 फीट बाय 4 फीट का यहाँ पे टॉयलेट दिया गया है और 7 फीट बाय 4 फीट का यहाँ पे बाथरूम दिया गया है। तो ये लिविंग रूम से जो टॉयलेट बाथरूम यूज़ करने के लिए काफ़ी आसान है और किसी की प्राइवेसी यहाँ से डिस्टर्ब नहीं होती है। बाद में एंट्री करेंगे यहाँ पे कि हम किचन में। देखिए, किचन का साइज़ जो हमें लगभग मिल रहा है 10 फीट 10 इंच है, लगभग यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में लगभग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हम 15 फीट 10 इंच 2 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 12 फीट का है। उसके बाद में ये 3 फीट जो है 3 फीट गैलरी हम माइनस करके लगभग 9 फीट का यहाँ से यहाँ तक मिल सकता है। तो देखिए, किचन को है यहाँ पे एक डोर बताया गया है और यहाँ पे एक विंडो बताया गया है। ये जो डोर है इस वाशेरिया को यूज़ करने के लिए दिया गया है, मतलब यहाँ पे हम वाशेरिया ने दिया है और ये जो वाशेरिया है यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे, मतलब नीचे जो है वाशेरिया हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऊपर जो है यहाँ पर छत नहीं डालेंगे, स्लैब नहीं डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर किचन को हमें वेंटिलेशन मिल जाएगा क्योंकि इस साइड में हमारी जगह नहीं है, दूसरों की प्रॉपर्टी है। तो अगर दूसरों के प्रॉपर्टी में उन्होंने उनका कंस्ट्रक्शन कर दिया तो हमारा वेंटिलेशन पैक हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे छत नहीं डालेंगे, मतलब स्लैब नहीं डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक बेडरूम बताई गई है, लगभग 11 फीट बाय 12 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब 11 फीट बाय 12 फीट का, काफ़ी बढ़िया साइज़ मिल रहा है हमें। और दो विंडोज़ होने की वजह से इसे भी काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिल जाएगा। और बाद में हम एंट्री करते हैं इस बेडरूम में हमारी, यहाँ पे एक बेडरूम बताई गई है। ये जो बेडरूम है इस बेडरूम का साइज़ जो मिल रहा है हमें लगभग 10 फीट बाय 12 फीट का है, मतलब 10 फीट बाय 12 फीट का। और इसको देखेंगे तो पीछे की साइड में एक डोर बताया गया है और एक
विंडो बताया गया है यहाँ पे। और ये जो डोर और विंडो है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने ओपन रख रखा है, मतलब यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालते हैं, यहाँ पे छत नहीं डालेंगे सेम, क्योंकि इस साइड में भी हमारी जगह नहीं है तो हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत है। तो हमारा वेंटिलेशन जो है हमारी जगह में ही हमें बनाना है, तो यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे, मतलब छत नहीं डालेंगे। इससे क्या होगा कि इस बेडरूम को तो वेंटिलेशन मिल जाएगा, लेकिन ये जो बेडरूम है हमारी, इस बेडरूम से को भी वेंटिलेशन मिल सकता है। और लास्ट में देखेंगे तो देखिए हमारी तीसरी बेडरूम है, थर्ड बेडरूम है हमारी। इस बेडरूम का साइज़ जो मिल रहा है हमें लगभग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 9 फीट 2 इंच है, और बाद में देखेंगे तो लगभग 9 फीट 8 इंच है यहाँ से यहाँ तक। और इसको एक अटैच वाला बाथरूम भी दिया गया है लगभग 6 फीट 8 इंच बाय 3 फीट 6 इंच का। और इसको वेंटिलेटर दिया गया है ये साइड में। और ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम को विंडो जो दी गई है इस साइड में दी है, क्योंकि इस साइड में हमने ओपन डक्ट रखा है, मतलब ओपन टू स्काई रखा है, ओपन छत, यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे, तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम को यहाँ पे एक डोर बताया गया है, ताकि ये जो ऑफसेट छोड़ा गया है, यहाँ पे जो जगह छोड़ी गई है, यह जगह हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप में ये पूरा 1200 स्क्वायर फुट का प्लॉट का एरिया था, जिसमें 3 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, 1 किचन और टॉयलेट, बाथरूम, वॉश एरिया, स्टेयर केस, बाइक की पार्किंग और वेंटिलेशन का पूरा अरेंजमेंट हमने करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि अब आज का जो यह प्लान है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं, और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हम चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वह वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।